आज कक्षा 7 के बच्चों के लिए है, विषय संस्कृत दिखाई दे रहा है आपको, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 देख रहे हैं आपको। बहुत लंबा पेपर नहीं बनाना चाह रहे हैं, समय सीधे अपने पेपर पे आ रहे हैं। खंड का अपठित अवबोधन, इसको पढ़ करके अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक बार पढ़ करके नीचे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे एक पदेन उत्तरत, भारतस्य उत्तर दिशायाम का अस्ति, मतलब भारत के उत्तर दिशा में कौन है, तो भारतस्य उत्तर दिशायाम पर्वत राजा हिमालय अस्ति। एक लाइन में पूरा ही उत्तर हो गया है आपका। हिमालय केन आच्छादिता अस्ति, हिमालय से कौन, हिमालय किससे आच्छादित है, तो हिमेन आच्छादिता भवत, मतलब ये सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूर्व वाक्यन उत्तरत, इसको भी इसमें देना है, का शत्रुभ्य अस्मानम रक्षत, या किससे, किस प्रकार, कौन शत्रुओं से रक्षा करता है, हिमालय शत्रुभ्य अस्मान रक्षति। अगला है, का भारतस्य मुकुटमणि यु शोभते, कौन भारत के मुकुटमणि के लिए स्वाभाविक बात होता है, मतलब हिमालय सा है, सा भारत से कुछ मणियो शोभते, तो सक मतलब हिमालय यहाँ लिख देंगे। फिर है, शिखराणि शब्द से किम विभेषणम अस्ति, उन्नतम उन्नता इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है, उन्नतम का है। हिमगिरे इत्यस्य किम समार्थका नाम पदम, अब हिमगिरे का समानार्थी शब्द कौन सा है, हिमालय। अनुच्छेदे हिमालय यस्य किम, अब ना देख लेंगे, लिखेंगे हिमालय से इति पदे का विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है इसमें। अगला है रचनात्मक कार्यम, इसमें आपको मंजूषाता पदानि चित्वा अधो लिखितम पत्रम पूर्यत, इसको पूरा करना है। देख रहे हैं, मान्य प्रधानाचार्य महोदया जिंदल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंजाबी बाग इनऊ दिल्ली महोदया, पहला भरा जाएगा इसमें। सविनयम प्रार्थयते यत गत रविवास रात अहम ज्वरग्रस्ता, दूसरा ज्वरग्रस्ता अस्मि, अतः एकस सप्ताहस्य क्या भरेंगे, अवकाशम दत्वा मम प्रति के बाद अनुग्रहम कुर्वन्तु तत्र भवन्तः भवदी आज्ञाकारी शिष्या, बाकी इतने लिखा लिख देंगे, आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको भरना है, इसी में से टिक दिया गया है, भर देना है आपको, एक नंबर डाला गया है, इसको देख करके भरना है। ये मंजूसा दिया गया है, एतत गृहस्थ चित्रम अस्ति, इसमें गृहस्थ भर देंगे। दूसरा है, गृहात बहि बालका क्रीडन्ति भर देंगे। गृहस्थ द्वारे आमा आम्रा वृक्षा अस्ति, द्वारे एका वृक्षा अस्ति, यहाँ वृक्षा भर देंगे। चौथे में, गृहस्थ वातावरणम सुंदरम अस्ति, सुंदर है सब भर दिया गया। आगे देखिए, इसमें प्रदत्त विकल्पेभ्यः शुद्धम उत्तरम चुनुत, सही वाक्य उत्तर दिया गया है, जो सही उसको चुनना है। विद्यालय पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, विद्याधनालय विद्यालय, ये सही है विद्यालय का। दूसरा है, महाधनिषा महेशा, ये विकल्प सही है दूसरा। पहला, हिमांशु में हिमधन अंशु, सही है। सूर्यधन उदया सूर्योदया, ये विकल्प टिक किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रस्य पति का एक शब्द में हो जाएगा राष्ट्रपति, ये वाला दूसरा वाला सही है। प्रधान प्रचार्य पदे उपसर्ग देख लेंगे, विज्ञान पदे, विज्ञान में भी लगा है बी छोटा वाला। 30 का लिखा जाएगा त्रिशत, सप्तविंशत को लिखा जाएगा सप्तविंशत, माने 27 होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नदी नद्यो नद्या देख रहे, टिक किया गया है। बालका बालको दूसरा विकल्प इसमें सही है। बालिका बालिकाओं बालिका टिक किया गया है। पठति पठता पठंती, ये सही है। लिखसि लिखता, ये सही है। गच्छतु गच्छताम, ऐसा विकल्प सही लगाया गया है। गच्छन्तु बालकेन बालकेभ्यान बालकई, ये पहला सही है। इसमें आपको बताना है, अवर्णस उच्चारण स्थान कंठ ताल उच्चावर्णस स्थान, ठीक किया गया है, सब दिखाई दे रहा है आपको। मतलब अध्य शब्द से अर्था, अध्य शब्द का अर्थ है आज, कुत्र का अर्थ है कहाँ, स्व शब्द से अर्थ लिखा, आने वाला कल होता है, बीता हुआ कल नहीं होगा। आप इस शब्द का अर्थ है भी, तत्र शब्द से अर्थ लिखा तत्र माने वहां। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अर्थ बताने पर। पूर्व वाक्यन इसमें आपको उत्तर देना है, किताब से संबंधित है इसमें। इस पक बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, पृथ्व्याम त्रीण रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडे रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब पृथ्वी पे 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं,
त्रिवेण रत्न, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़े को ही रत्न संज्ञा मानते हैं। इससे संबंधित अब उत्तर प्रश्न पूछा गया है, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्व्याम त्रीण रत्नानि, मूढ़ई पुत्र रत्न संज्ञा, मूढ़ई पाषाण खंडेश्वर रत्न विधित, सब उसी में है। पृथ्व्याम त्रीण रत्नानि कानि, जलम अन्नम सुभाषितानि, मतलब जल अन्न और सुंदर वचन है। पृथ्व्याम तीन रत्नानि कानि, अब उसी में से देख के लिख देंगे, मूढ़ई पदे का विभक्ति अगला है, इसमें पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है, सब पाठ के आधार पर है, देख रहे हैं, इसमें आपको भरना है, मंजूषा दिया गया है इसमें। जैसे भक्ता सदा ईश्वरम स्मरति, मतलब भक्त सदैव ईश्वर की स्मरण करता है। असत्यम न वक्तव्यम, प्रिय प्रियम तथा सत्यम वदेत, लता मेधा न विद्यालयम गच्छता, देख रहे हैं भरा गया है, इसको देखकर भर दे देंगे। आपको मतलब तीन प्रकार के पेपर मिलेंगे, एक आपको इस तरह दिया जा रहा है, अब जो दूसरा जब पेपर डालेंगे तो सेट टू लिखा रहेगा, सेट टू सेट थ्री, तीन प्रकार के आपको जो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पेपर आपके विद्यालय में आ रहा है। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने साथी संगतियों से कराना। जय हिंद, जय भारत।